क्रम में 5 दिनों का फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है। माहौल में खुशियां घुल रही हैं, हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिख रही हैं। घरों को रोशन करने और उन्हें सजाने संवारने का काम जारी है। 5 दिनों के इस फेस्टिव सीजन में कब क्या होना है, कैसे करना है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खुशियां, रोशनी और मिठाई, आई दिवाली आई, दियों से घर हुए रोशन, गली मोहल्ले भी जगमगाए। ब्रह्मा, लक्ष्मी और गणेश, खुशहाली का हुआ प्रवेश। ढेरों उपहार लाने वाली, दीपों का ये पर्व दिवाली। सब मिलकर धूम मचाते, मिलकर सब दिवाली मनाते। खुशी और रोशनी के त्योहार का इंतजार खत्म हो गया है। गली मोहल्ले रंगीन रोशनियों से यूं सजे धजे हैं कि मानो दुल्हन तैयार होकर अपने पिया की राह ताक रही है। दिवाली त्योहार भारतीय संस्कृति का गौरव है, क्योंकि दीपावली में अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव है। ब्रह्म पुराण के मुताबिक कार्तिक अमावस्या की आधी रात माता लक्ष्मी उन लोगों के घरों में भ्रमण करती हैं जहां साफ सफाई, शांति और प्रकाश होता है। इसलिए घर को साफ और सजाकर दीपावली मनाने की परंपरा है, और इस प्राचीन परंपरा का हर कोई पालन कर रहा है। इससे लक्ष्मी खुश होती हैं और लंबे समय तक ना सिर्फ घरों में वास करती हैं बल्कि उन्हें धन धान का आशीर्वाद भी देती हैं। हर साल लोगों को दिवाली का बेसब्री से इंतजार रहता है, तो आइए आपको बताते हैं इस साल ये त्योहार कब और कैसे मनाना है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस साल कार्तिक माह की अमावस्या 12 नवंबर को दोपहर 2:44 पर शुरू होगी और 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर खत्म होगी। हिंदू धर्म में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन दिवाली में लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इस बार दिवाली 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल समय शाम 5:39 से लेकर रात 7:35 तक 12 नवंबर 2023। वृषभ काल शाम 5:39 से लेकर रात 7:35 तक। लक्ष्मी पूजा का समय जो है वो 12 नवंबर 2023 रात 11:39 से लेकर 13 नवंबर प्रातः 12:32 तक। सिंह लग्न प्रातः 12:10 से लेकर 2:27 तक। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब धरती पर सिर्फ अंधेरा था, तब एक तेज प्रकाश के साथ कमल पर बैठी हुई देवी प्रकट हुई। वो देवी लक्ष्मी थी और उनके प्रकाश से संसार बना, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजा की परंपरा है। दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन करने से धन की कभी कमी नहीं होती है। दिवाली के दीप जीवन में सकारात्मकता लाते हैं और अंधकार रूपी समस्या पर प्रकाश डालकर उसका नाश करते हैं। वहीं कार्तिक माह की अमावस्या श्री राम के अयोध्या लौटने के स्वागत में दीपावली मनाने की परंपरा है। दिवाली के साथ कई और त्यौहार भी मनाए जाते हैं, इसलिए ये पूरा त्यौहार का सीजन होता है। धनतेरस 10 नवंबर 2023, नरक चतुर्दशी 12 नवंबर 2023, दिवाली 12 नवंबर 2023, गोवर्धन पूजा 14 नवंबर 2023, भाई दूज 15 नवंबर 2023। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा की विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जब मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है तो लक्ष्मी जी वहां ठहर जाती हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए यह सबसे उत्तम समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है इसके पास धन भी रहता है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन अगर माता पिता पारंपरिक रीति रिवाज के साथ ये त्यौहार मनाएं और देश में खुशियां फैलाएं। प्राइम टीवी भी आपकी खुशियों के साथ है, तो इसलिए हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को शुभ दीपावली।
खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी।